नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षीज़ किचन में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ केले की सब्ज़ी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कच्चे केले। मैंने यहाँ पर 4 कच्चे केले लिए हैं। अगर वेट में इसको मेजर करें तो करीबन आधा किलो ही कच्चे केले हैं। इसका ऊपर वाला और ये नीचे वाला पार्ट हम कट कर देंगे। पहले केले को हमें छीलना है, तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर कट के मार्क्स बना रही हूँ। अब इसको हम एक तरफ से इस तरीके से पील कर लेंगे। एक तरफ से पील करने के बाद अब ये इजीली हाथ से ही छिल जाएगा। आप चाहें तो केलों को नाइफ से भी पील कर सकते हैं, अगर इसे आप हाथ से इस तरीके से पील ना कर पाए तो। केले की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये सब्जी ज़रूर पसंद आएगी। केले हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। केले में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, तो सब्जी को खाने से हमें कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने केले को हाथ से ही पील कर लिया है। इजीली हाथ से ही भी पील हो जाता है। अब जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है उसे मैं नाइफ से हटा दूंगी। केले को छीलने के बाद इसको हम पानी में सोक होने के लिए रख देंगे, क्योंकि केले कुछ देर छीलने के बाद काले पड़ जाते हैं। तो सारे केले मैं इस तरीके से ही छील लूंगी। तो ये देखिए, केले मैंने छील लिए हैं। अब इसका पानी मैं ये हटा दूंगी। अब इसको हम स्लाइस कर लेंगे, तो थोड़े थिक स्लाइसेस में मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ थिक स्लाइसेस में। सारे केले इस तरीके से ही हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, केले हमारे कट हो गए। अब इनको हमें फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल में इसको हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए, और मीडियम हीट पर ही इनको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अंदर से ये अच्छे से पक भी जाए और क्रिस्प भी हो जाए। और जब आपको लगे ही हल्के फ्राई हो गए हैं, तो इनको हल्के हाथ से हम पलट देंगे। तो ये देखिए, केले हमारे हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। इसको मैं इस तरीके से पलट दूंगी और अच्छा क्रिस्प होने तक इनको मैं फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए, ये केले हमारे फ्राई हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्प भी हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। अब केले की सब्जी बनाने के लिए, अब आप चाहें तो इसी कढ़ाई में से ऑयल कम कर लें और सब्जी इसी में बना लें, पर मैंने यहाँ रख ली है ये दूसरी कढ़ाई। मैंने इसमें डाल दिया था 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, बारीक कटे हुए। प्याज को हम मीडियम हीट पे सौते कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का ब्राउन करना है। तो ये देखिए, हल्का ब्राउन हो गया है ये, थोड़ा सा इसको हम और भून लेंगे। तो ये प्याज हमारा सौते हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इनको हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, ये प्याज हमारा सौते हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज के टमाटर की प्योरी। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, उसको मिक्सी के जार में डालकर उसकी प्योरी बना ली है। मसाले को हम मीडियम हीट पे अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, जब तक मसाला साइडों में ऑयल ना छोड़ने लगे। इसको बीच बीच में चलाते रहें और अच्छे से इसको आप भून लें। तो ये देखिए, मसाला हमारा भूनने ही वाला है। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, मसाले ने साइड में ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किए हुए केले। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए हम केलों को भून लेंगे मसाले के साथ स्लो हीट पे।
एक दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो मैं यहाँ पर सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ केले की, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप पानी। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप दो कप पानी ऐड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे स्लो हीट पे करीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए केले की सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। सब्जी में मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितने मसाले आपको पसंद हैं। लास्ट में स्प्रिंकल करूंगी मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए धनिया। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे इसको। तो ये केले की सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है, इसे हम सर्व करेंगे। इस सब्जी को आप सर्व कीजिए चपाती, पराठे या फिर चावल के साथ, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। खाने में ये बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान। तो तैयार है हमारी केले की सब्जी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस का मैसेज आपके पास आ सके।